सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान गुरु टेक को और साथ में घंटे के दिख रहे बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास में पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं और मेल को किस प्रकार से हम प्रोफेशनली मेल भेजें जो कि अगले बंदे को आपकी मेल अच्छी लगे देखने में और उसको ऐसा लगे कि किसी प्रोफेशनल आदमी ने मेल करी है। देखिए, जैसे अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे मेल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं कि यदि हमें इस मेल के अंदर किसी आइटम्स को अटैच करना हो या किसी फाइल को अटैच करना हो तो हम मोस्टली यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में जहाँ पर भी हमारी फाइल पड़ी होती है हम वहाँ पर जाकर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें किसी भी आइटम को यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में सिलेक्ट करते हैं तो देखिए वो बाद में यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। दोस्तों, यदि हमारे पास एक इमेजेस हो, एक फाइल हो तो हम इस प्रकार से अटैच करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके पास में मान लीजिए आप ऐसी 50 इमेजेस हों और 50 आपके पास में फाइल्स हों और आप प्रत्येक फाइल को इस प्रकार से अटैच करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डाउनलोड JPG, ऐसे आपके 50 डाउनलोड्स बन जाएंगे और जब अगला बंदा आपकी मेल को खोलेगा और फिर उसको इस सभी डाउनलोड को एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा और फिर उसे डाउनलोड करना पड़ेगा तो उसे ऐसे लगेगा कि किसी अनप्रोफेशनल आदमी ने मेल भेजी है। और दोस्तों, ये मेल भेजने का देखिए बहुत ही गलत तरीका है क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको भी फाइल अटैच करने के लिए कई फाइलों को बार बार क्लिक करना पड़ेगा और इसको अटैच करना पड़ेगा और अगले बंदे को भी जब वो अटैचमेंट्स को खोलने के लिए पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, सारे अटैचमेंट्स के ऊपर क्लिक करेगा फिर उन अटैचमेंट्स को डाउनलोड करेगा। और ये भी हो सकता है कि आपने 50 अटैचमेंट्स भेजे हों और उसमें से किसी एक अटैचमेंट पर क्लिक ना हो और वो डाउनलोड ना हो पाए और वो ना देख पाए। तो यदि आपके कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको उससे नुकसान भी हो सकता है या अगले बंदे का नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कि आपको ये इमेजेस को एक एक करके यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर ही उस बंदे को वो सारी फाइलें मिल जाएंगी। वो केवल एक जगह पे क्लिक करेगा और वो फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा और उस फोल्डर के अंदर उसको वो सारी फाइलें मिल जाएंगी। देखिए, मैं पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे ये है हमारे डेस्कटॉप पर, ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये 6 फाइल्स क्रिएट की हैं। देखिए, ये वर्ड की फाइल है, ये इमेजेस है, ये भी इमेजेस है, ये भी इमेजेस है, ये भी इमेजेस है और ये इमेजेस है। 5 इमेजेस हैं और एक हमारी वर्ड की फाइल है। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मैं आपको ये वीडियो इसलिए बनाकर दिखा रहा हूँ कि आपको 50-60 फाइलें एक साथ में अटैच करनी हो तो आप ये फोल्डर बना सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद में, अरे सर, ये तो 4-5 इमेजेस आपने अटैच करी हैं, आप उसका फोल्डर बनाया है, इसमें फोल्डर बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो वैसे ही बड़ी आसानी से सिलेक्ट करते हम इसको और ये अटैच हो जाती। इस प्रकार से सिलेक्ट करके हम उस पर राइट क्लिक करके तो हम इसे अटैच कर सकते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, 4-5 फाइलें या 4-5 इमेजेस तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 50 इमेजेस हों, 50 फाइलें हों तो दोस्तों आप उसे सिलेक्ट करके अगर करेंगे आपकी डाउनलोड तो हो जाएगी, लेकिन अगले बंदे को उस मेल को खोलने के बाद उन अटैचमेंट को जब डाउनलोड करना पड़ेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी और ये भी हो सकता है कि कोई इमेजेस या कोई फाइल उससे डाउनलोड ना हो। तो इसलिए आपको बेहतर होगा कि इन सभी फाइलों का एक फोल्डर बनाएं। जैसे कि इनके लिए आप क्या करेंगे, एक जिप फोल्डर बनाएंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एड टू डेस्कटॉप रैम। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का देखिए एक फोल्डर आपके पास में बन जाएगा। देखिए, ये लिखा है डेस्कटॉप रैम। अब देखिए, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर वो सारी फाइलें आ जाएंगी। ये देखिए, ये सारी फाइलें देखिए आ चुकी हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देखिए, ये सारी फाइलें आ गई इसके अंदर। देखिए, वर्ड की फाइल अलग से दिख रही है और मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये ओपन हो जाएगी और देखिए कोई बड़ी आसानी से आपकी फाइल को यहाँ पर जिप फोल्डर के अंदर में खोल सकता है। ठीक है, मैं अभी इसे देखिए बंद कर देता हूँ यहाँ से। इसी प्रकार देखिए इमेजेस हैं, देखिए इमेजेस भी यहाँ से ओपन हो जाती हैं बड़ी आसानी से। अब आपको क्या करना है, अभी जो डेस्कटॉप का जो फोल्डर बना हुआ है आप इसको कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप अपनी मेल को ओपन करेंगे और यहाँ पे अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका ये जो डेस्कटॉप के नाम से जो फोल्डर बनाया था उसको
अटैच करेंगे। ये देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में अब ये देखिए ये फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जिस भी बंदे को आपने मेल करनी है वो मेल आईडी डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी मेल आईडी ही डाल देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, जैसे कोई भी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस चीज से रिलेटेड है वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर इमेजेस लिख देता हूँ, उसके बाद में सेंड कर देंगे। अब देखिए जैसे मैंने ये सेंड किया, सेंड करने के बाद में देखिए ये मेल इस प्रकार से दिखेगी जब अगले बंदे के पास में जाएगी। तो देखिए मेल मेरे पास पहुंच गई है। अब देखिए ये देखिए ये फोल्डर इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए ये फोल्डर बहुत जल्दी डाउनलोड होगा। देखिए ये कितनी जल्दी ये फोल्डर डाउनलोड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे फिर शो फोल्डर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये फोल्डर दिख जाएगा। इस फोल्डर को वो कट करके अपने डेस्कटॉप पे ले आएंगे। देखिए डेस्कटॉप पे आ गया। उसके बाद में ये देखिए रिप्लेस फाइल द डेस्टिनेशन, ये फोल्डर ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है इसलिए ये ऐसे कह रहा है, तो कोई बात नहीं हम रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है फोल्डर। उसके बाद वो इस जिप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप। तो जैसे वो एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे उनके पास में देखिए डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर ये सभी फाइलें उन्हें दिखाई देंगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी को मेल भेज सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा फाइलें हैं तो पहले आप विनजिप फाइल बनाइए फिर उसको मेल कीजिए। इससे क्या होगा, अगले बंदे को भी डाउनलोड करने में आसानी होगी और उसको वो सभी फाइलें एक ही फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप चाहते हैं आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।